हाँ जी, तो यार पीछे जो आप ये नीले कलर का वाहन देख सकते हो, ये मैंने खरीदा था कनाडा के अंदर $8,200 का। अब इसके अलावा लोग काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल डॉज चार्जर होगी, चैलेंजर होगी, फोर्ड मस्टैंग होगी, या फिर एक नॉर्मल बजट कार होगी जैसे हुंडई एलंट्रा या फिर होंडा सिविक। अब कनाडा के अंदर ऐसी गाड़ियाँ खरीदना बहुत आसान है, लोन पर ले लो या फिर कैश पर खरीदो, लेकिन उनको मेनटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे खर्चे होते हैं गाड़ियों से रिलेटेड, जो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि उन खर्चों को किस तरीके से आप कम कर सकते हो। Without wasting any more time, जमीन से खड़े होते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अगर गाड़ी के खर्चों की बात करें तो सबसे पहला जो आपका खर्चा आता है वो आपकी गाड़ी का ही आ जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है अगर आप गाड़ी खरीदते हो, या तो आप कैश पे खरीदोगे, फॉर एग्जांपल आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी पसंद करते हो, $6,000 की, $8,000 की, $10,000 की, $20,000 की, जो भी आपको सौदा पसंद आता है, तो आप पूरी पेमेंट करोगे, गाड़ी घर पे ले आओगे, आपकी कोई मंथली पेमेंट नहीं होगी, कोई बाई वीकली पेमेंट नहीं होगी, बिल्कुल आप टेंशन फ्री होगे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको कोई महंगी सी गाड़ी पसंद है, या फिर आप कोई भी गाड़ी आपको पसंद है वो आप लोन पे लेते हो, मतलब फाइनेंस कराते हो, तो उस केस में आपकी एक बाई वीकली पेमेंट होगी या फिर मंथली पेमेंट होगी, जो भी आप चूज करोगे, और वो डिपेंड करेगी कि भी आपका इंटरेस्ट रेट कितना है लोन का, और साथ के साथ आपके लोन की ड्यूरेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक $25,000 की गाड़ी खरीदते हो और आप उसको लोन पे लेते हो, और आपके जो लोन की ड्यूरेशन है वो है 6 ईयर्स, और आपके जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो है 4.9 या फिर 5% पर एनम, तो उस केस में आपकी जो पेमेंट बनेगी वो बनेगी 190 या फिर $200 बाई वीकली। अब यार मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो गाड़ी होती है ना वो डेप्रिशिएटिंग चीज होती है, मतलब उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती है, ऊपर से आप उसको लोन पे ले लोगे तो आपका डबल नुकसान होगा। तो कोशिश करो कि एक सस्ती सी गाड़ी खरीदो और उसको कैश पे खरीदो, ठीक है? और जब तक आपके पास पैसे नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी खरीदनी है जिसका प्राइस है $10,000, तो महीने के महीने $500-$600 सेव करना शुरू कर दो, और 10,000 जब आपके पास इकट्ठे हो जाए तो गाड़ी खरीद लो। अब यार जैसे कि आप पीछे देख सकते हो कि किसी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगी और वो टो करा के कहीं पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं है या फिर आपकी इंश्योरेंस में ये टो का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में ये चीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी गाड़ी टो कराई थी, तो उस केस में मेरे को $250 लगे थे सिर्फ 5 किलोमीटर गाड़ी लेके जाने के लिए, तो ये भी काफी बड़ा खर्चा होता है। तो मेंबरशिप्स होती हैं अलग अलग, सबसे पॉपुलर जो मेंबरशिप है वो है CAA की मेंबरशिप, तो उसमें टोइंग इंक्लूडेड होती है, वो मैं पिक्चर डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो ये हिसाब किताब होता है, बाकी और भी आपको खर्चों के बारे में बात करते हैं। बाकी यार किसी गैस स्टेशन चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल कम हो रखा है, और साथ के साथ मेरे को गाड़ी धुलवानी भी है, कार वॉश करवानी है, तो ये सब काम करवाते हैं, और साथ के साथ इनके खर्चों के बारे में भी बातचीत करते हैं। अबे कॉफी कूफी पीनी है, कुछ ठंडा पीते हैं, कुछ ठंडा पीना है, चलो मैं कॉफी लेता हूँ, ये भाई साहब को कुछ ठंडा पिलाते हैं। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए हैं गैस स्टेशन, और गैस का जो प्राइस है वो है $1.45 पर लीटर, तो थोड़ी गैस डलवाते हैं और देखते हैं कितनी डलती है और कितने की डलती है। तो भाई थोड़ा सा देसी वाला काम करेंगे, जो इस पाइप में रहेगी ना उसको भी थोड़ा दो बूंदे एक्स्ट्रा आ जाए। तो भाई अपना डला है 23 लीटर्स ऑफ पेट्रोल और वो पड़ा है $33 का, लेकिन हम पूरे $33 नहीं देंगे, थोड़ी सी सेविंग करेंगे, वो आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, और कौन से तरीके हैं पेट्रोल पे पैसे बचाने के, वो भी आपको बताता हूँ। कैन आई गेट अ कार वॉश विद माई पॉइंट्स? हाँ जी, तो यार मैंने पेट्रोल के लिए पे वगैरह कर दी है, बाकी आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप गैस पे थोड़ा बहुत सेव कर सकते हो, उधर जाके बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो जिसको कहते हैं गैस बडी। तो उसमें क्या होता है कि भाई जो आपके घर के आसपास या फिर आपकी सिटी में जो गैस स्टेशन होते हैं ना, उनको दिखा देता है, लिस्ट कर देता है, और उनको सॉर्ट कर देता है गैस के प्राइसेस के हिसाब से। तो जो सबसे सस्ता होगा आपको दिखा देगा भाई यहाँ पे सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, तो वहाँ से आप अपना गैस वगैरह डलवा सकते हो, थोड़े बहुत डॉलर्स वगैरह सेव कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह ले सकते हो। बेसिकली होता क्या है, पेट्रो कनाडा हो गया या फिर कनेडियन टायर हो गया, बहुत सारे गैस स्टेशन होते हैं जिनके लिंक होते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल पेट्रो कनाडा का RBC के साथ एक लिंक है, तो जब भी मैं गैस डलवाता हूँ पेट्रो कनाडा से, तो मेरे को 1 लीटर पे 3 सेंट्स ऑफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने गैस डलवाई उसमें मेरे को 70 सेंट्स ऑफ मिले हैं। और साथ के साथ यार आप पीक टाइमिंग पे अगर गैस नहीं डलवाते हो, फॉर एग्जांपल सुबह का टाइम है जब सारे लोग ऑफिस जाते हैं, या फिर शाम का टाइम है जब सारे लोग ऑफिस से वापस आते हैं, तो उस टाइम जो गैस के प्राइसेस होते हैं ना वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप क्या करो, रात को 11 बजे या फिर 12 बजे के आसपास अगर अपनी गैस डलवाओगे तो थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, किसी और का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। और साथ के साथ एक और तरीका है कि भाई आप कॉस्को की मेंबरशिप ले सकते हो, वहां पे हमेशा
जो गैस के प्राइसेस होते हैं वो 10 सेंट या फिर 12 सेंट सस्ते होते हैं, तो हर बार जब आप फिलअप कराओगे तो $6 $10 आपके वहाँ पे सेव हो जाएंगे। मेरे पास है RBC का क्रेडिट कार्ड, तो जब भी मैं पेट्रो कैनेडा से कुछ गैस वगैरह डलवाता हूँ तो मेरे को कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, और उन पॉइंट्स को यूज़ करके या तो आप गैस स्टेशन से कुछ खरीद सकते हो, चॉकलेट या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फिर उसको गैस के टूवर्ड्स रिडीम कर सकते हो, या फिर कार वॉश ले सकते हो। तो मैंने ये कार वॉश का वाउचर लिया है, तो कार वॉश कराते हैं और आपको हिसाब किताब दिखाते हैं। अगर आप पॉइंट्स नहीं है आपके पास तो उस केस में कार वॉश पड़ती है कुछ $12 की या फिर $16 की, डिपेंड करता है आप किस टाइप की कार वॉश कराते हो। तो भाई गाड़ी वगैरह अपनी धुल गई है, 10,000 पेट्रो पॉइंट्स लगे हैं, तो आगे चलते हैं और आपको और भी खर्चों के बारे में बताते हैं और किस तरीके से आप वो सेविंग वगैरह कर सकते हो उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। सो लेट्स गो। अगर कनाडा के अंदर गाड़ियों से रिलेटेड एक और खर्चा होता है जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है, तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, तो विंटर्स में स्नो होने की वजह से स्पेशल विंटर टायर्स अपनी गाड़ी में डलवाने पड़ते हैं ताकि आपकी गाड़ी वगैरह जो है स्किड ना हो। और अगर उनके प्राइस की बात करें तो एक स्टैंडर्ड टायर की बात करें तो 4 का सेट $1,200 या $1,000 के आसपास का आता है, तो ये हिसाब किताब होता है। वैसे समर्स में समर टायर होते हैं और एक ऑल सीज़न टायर भी आते हैं, लेकिन अगर आप ऑल सीज़न टायर डलवाते हो और अपनी इंश्योरेंस वालों को बताते हो तो वो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उनको बोलोगे कि भाई हमारे पास विंटर टायर, मैं विंटर्स में विंटर टायर डलवाऊंगा, तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी कम हो जाएगी। और इंश्योरेंस की बात कर ही रहे हैं तो इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या खर्चा होता है उसके बारे में बाहर जाके बात करते हैं। बाकी यार जो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ खर्चे शेयर कर रहा हूं वो एक नॉर्मल पर्सन के है। काफी सारे लोग होते हैं जो गाड़ियों के काफी शौकीन होते हैं, उनको सजा के रखना हो गया, बढ़िया बढ़िया रिम वगैरह डलवाना हो गया, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। अब रिम जो होते हैं वो महंगे महंगे आते हैं, $200 $300 $400 $1,000 एक रिम के, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन जो खर्चे हैं वो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूं एक एवरेज पर्सन के मेरे जैसे। अब इंडिया में मेरे को याद है जब मैं इंडिया में था तो 10,000 15,000 या फिर 20,000 साल की इंश्योरेंस होती थी, लेकिन यहाँ पे जो इंश्योरेंस का खर्चा होता है ना वो एवरी मंथ होता है। तो बेसिकली यार मेरी जो इंश्योरेंस है वो है $256 पर मंथ। बेसिकली सिटी टू सिटी डिपेंड करती होती है इंश्योरेंस। अगर आप किचनर वाटरलू होते हो या फिर लंडन सार्निया वगैरह में होते हो तो थोड़ी सी आपकी इंश्योरेंस कम होगी, लेकिन अगर आप एक ऐसी सिटी में जाते हो जहाँ पे क्राइम रेट थोड़ा सा ज्यादा है या फिर गाड़ियों के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जैसे ब्रैम्पटन हो गया, सरी हो गया, या फिर ऐसी जगह होगी, मतलब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी अगर सिटीज होगी तो यहाँ पे इंश्योरेंस काफी ज्यादा होती है। मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो कि $650 पर मंथ सिर्फ इंश्योरेंस में देता है, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है। बाकी अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको पैसे बचाने हैं तो उसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है, जब भी आप इंश्योरेंस लोगे तो आपको अलग अलग कंपनीज को कॉन्टैक्ट करना और सबसे आपको कोट वगैरह लेना, उनको बोलना है कि भैया वहां से मेरे को इतने का कोट मिल रहा है, आप क्या डिस्काउंट वगैरह दे सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे ही आप कनाडा आओगे ना तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है। जितना आपका लाइसेंस पुराना होता रहेगा उतनी आपकी इंश्योरेंस कम होती रहती है। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली होता है क्या है कि यार सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी अपनी एक ऐप देती है जो आपको अपने फोन पे इंस्टॉल करनी है, तो वो ऐप क्या करती है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स को रिकॉर्ड करती है कि आप कितनी बार स्पीड लिमिट से ऊपर जाते हो या फिर किस तरीके की आपकी ब्रेकिंग है, एकदम से ब्रेक मारते हो। और अगर वो सिर्फ आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसको एक्टिवेट कर दोगे ना, तो उसके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपकी $200 पर मंथ आपकी इंश्योरेंस है तो $20 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पर मंथ। और साथ के साथ अगर आपकी हैबिट्स अच्छी रहेंगी तो अगले साल जब आप अपनी इंश्योरेंस रिन्यू कराओगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कम कर देंगे, क्योंकि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स बढ़िया थी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ऑटो इंश्योरेंस को अपनी होम इंश्योरेंस के साथ कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके घर की जो इंश्योरेंस है, मतलब एज अ टेनेंट आपकी इंश्योरेंस है $50 पर मंथ और आपकी गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो है $300 पर मंथ, तो टोटल आपका खर्चा हो जाएगा $350 पर मंथ। लेकिन आपने दोनों चीजें अगर कंबाइन कर ली, एक ही कंपनी से आपने दोनों इंश्योरेंस ली, तो उस केस में आपको 10% या फिर 15% डिस्काउंट दे देंगे, तो $35 से $40 आपके यहां पे सेव हो जाएंगे। और साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, दो तीन दोस्त मिलकर एक ही कंपनी से अपनी ऑटो इंश्योरेंस ले सकते हो और ग्रुप डिस्काउंट मांग सकते हो, तो देर आर चांसेस कि आपको 5% या फिर 10% डिस्काउंट मिल जाए, मतलब ग्रुप डिस्काउंट मिल जाए। और साथ के साथ यार कनाडा के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के अंदर आपकी गलती निकलती है, मतलब एट फॉल्ट एक्सीडेंट था, तो उस केस में आपकी इंश्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो जो एक्सीडेंट होता है ना वो आपके रिकॉर्ड पे कम से कम 6 साल के लिए रहता है, तो 6 साल तक आपको वो बड़ी हुई इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। तो गाड़ी ध्यान से चलानी है, ज्यादा एंडी नहीं बनना, ज्यादा स्टंट नहीं मारने। और साथ के साथ एक ये भी खर्चा होता है, इस तरीके का विंडशील्ड वॉशर होता है जो कि आपको सर्दियों में अपनी विंडशील्ड पे डालना होता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है अगर आप विंडशील्ड पे पानी डालोगे तो वो जम जाएगा, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा होती है। और ये आता है $6.49 या फिर वॉलमार्ट से $3 $4 का आता है,
तो ये हिसाब किताब होता है, ये भी एक खर्चा होता है। बाकी वॉलमार्ट की बात कर ही रहे हैं तो वॉलमार्ट चलते हैं और आपको और भी खर्चों के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं वॉलमार्ट के अंदर और अभी मैं खड़ा हूँ ऑटो वाली आइल के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे गाड़ी से रिलेटेड काफी सारा सौदा मिलता है, लेकिन उनके प्राइसेस दिखाने से पहले एक जरूरी खर्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ। बेसिकली यार, अगर आप कनाडा के अंदर एक गाड़ी रखते हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में एक गाड़ी रखते हो तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस तो करानी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज की बात करें तो अगर आप किसी प्रीमियम डीलरशिप पे जाते हो तो आराम से आपके $100 या फिर $125 प्लस टैक्सेस लग जाएंगे, जो कि ओंटारियो में 13% है। लेकिन अगर आप अपने थोड़े बहुत डॉलर्स वगैरह सेव करना चाहते हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, किसी लोकल मैकेनिक या किसी नॉर्मल से सर्विस सेंटर जा सकते हो और वहाँ पे अपना ऑयल चेंज या फिल्टर चेंज या जो भी आप काम कराते हो रेगुलरली वो आप करवा सकते हो। या फिर अगर आपको चीज़ों की नॉलेज है तो आप खुद से भी अपना ऑयल चेंज या फिल्टर चेंज कर सकते हो। ऐसे वॉलमार्ट हो गया, कैनेडियन टायर हो गया, वहाँ पे सारा का सारे इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर किसी नॉर्मल मैकेनिक के पास जाओगे तो $60 या $70 लगते हैं एक बार ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज कराने के साथ के साथ। यार, आप अपने लोकल मैकेनिक के साथ थोड़ी बहुत सेटिंग कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मैं अपनी सारी की सारी जो पेमेंट है ना वो कैश में करूँगा, तो अपना टैक्स वगैरह मेरे से मत लेना। तो काफ़ी सारे लोग ये करते हैं, मैं ये चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा और ये नहीं बोल रहा कि मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत अपना टैक्स बचाना चाहते हो तो ये चीज़ भी कर सकते हो। और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि रिपेयर कराना हो गया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर गाड़ी ठोक दी तो ठीक ठाक करानी है, तो वो चीज़ कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैनेडियन टायर जाते हो, जो कि बहुत ही बड़ा स्टोर है, उसके अंदर एक पूरा सेक्शन है ऑटो सर्विस का, तो वहाँ पे सिर्फ गाड़ी को टच करने के लिए, मतलब सिर्फ डायग्नोस्टिक्स करने के लिए, वो आपसे $140 ले लेंगे प्लस टैक्सेस। और फिर यह डायग्नोस्टिक्स करने के बाद आपकी गाड़ी ठीक की जाएगी, फिर उसके बाद आता है लेबर का खर्चा या पार्ट्स वगैरह का खर्चा, और वो कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बेसिकली जैसे मेरे पास एक जीप कंपस होती थी तो उसकी लिंक रॉड में एक प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने वो ठीक कराई थी। अब जो लिंक रॉड वाला जो पार्ट है ना उसका, वो आता था $19 का, लेकिन उसको रिपेयर करवाओ, व्हील अलाइनमेंट कराओ, सारा का सारा टैक्स वगैरह लगा के, लेबर का खर्चा लगा के मेरे $550 लग जाते थे। तो इतना महंगा ये सौदा होता है। बेसिकली यार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी वगैरह खरीदोगे ना तो अपने दिमाग में डाल के रखना कि ये रिपेयर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और मैं तो यही कहता हूँ कि बेसिक जो रिपेयरिंग होती है ना, खुद से सीख लो कि भाई वो बोनट खोल के छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ही ठीक कर लेना, तो ये हिसाब किताब होता है कि भैया दिमाग ही खराब हो जाता है, पता नहीं कितना महंगा सौदा है। बाकी आपको यार गाड़ी से रिलेटेड जो एसेंशियल एक्सेसरीज होते हैं उनके प्राइसेस वगैरह बता देता हूँ। गाड़ी खरीदते ही सबसे पहली जो चीज़ मैंने खरीदी थी वो थी मैट्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो सेट है इसका प्राइस है $24.88, ये वाला जो सेट है इसका प्राइस है $29.88, और नीचे यहाँ पे थोड़े सस्ता सौदा पड़ा हुआ है, ये वाला जो सेट है, ये वाला, इसका जो प्राइस है वो है $18.88। और जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो काफ़ी सारे लड़कों का मन करता है कि भैया साथ में गर्लफ्रेंड वगैरह बैठे और उनको हम लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं, लेकिन ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड गाड़ी के अंदर बैठेगी तो गाड़ी में से खुशबू आनी चाहिए ना बढ़िया सी। तो यहाँ पे इस तरीके का सौदा मिलता है काफ़ी सारा, जिसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, ये लिटिल ट्रीज होते हैं, ये ट्री अपना गाड़ी में लगा लो तो बढ़िया सी खुशबू आती है एकदम एंडी। और इसका जो प्राइस है, मतलब टोटल 6 पीसेज हैं, इसका प्राइस है $5.87। और यार, जो लोग शौकीन होते हैं कि भैया हमारी गाड़ी हर वक्त चमकती रहे, तो उनके लिए काफ़ी सारा सौदा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ग्लास वाइप्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये वाले जो है, ये 30 पीसेस का बॉक्स है, इसका प्राइस है $10.97। और साथ के साथ यहाँ पे भी दुनिया जहान का सौदा पड़ा हुआ है, जिनसे आप गाड़ी अपनी चमका सकते हो, कोई $10 का है, कोई $7 का है, कोई $8 का सौदा है। तो ये सारा का सारा सौदा अवेलेबल है गाड़ी साफ करने के लिए। अब यार, ये जो यंत्र आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये कनाडा के अंदर बहुत जरूरी है। जितने भी गाड़ी वाले लोग होते हैं ना, सबके पास ये चीज जरूर होती है, पर्टिकुलरली विंटर्स के अंदर, क्योंकि इससे स्नो वगैरह हटानी होती है, बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है। और इसका जो प्राइस है वो है $15.97, थोड़ा सस्ता सौदा भी आता है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है, वो ये है कि इसको घुमा के आप बड़ा कर सकते हो और अपनी स्नो वगैरह साफ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने स्नो वगैरह साफ नहीं की और आपकी गाड़ी से स्नो गिर गई और किसी और का एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से, तो भैया बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा, इंश्योरेंस वगैरह पड़ जाएगी। तो भाई, इस तरीके की अनाउंसमेंट्स वगैरह सारे के सारे ग्रोसरी स्टोर में होती है, कोई नहीं सुनता, ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ये कहना चाहता हूँ। तो ये सिस्टम, अब यार ये वीडियो के थ्रू ना ही मैं आपको डीमोटिवेट करना चाहता हूँ, ना ही डराना चाहता हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा के अंदर अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो ये सारे खर्चे वगैरह हो सकते हैं। साथ के साथ मेरे हिसाब से अगर आप कनाडा के अंदर गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो मंथली आपका खर्चा ये होना चाहिए कि भाई जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है टैक्स वगैरह काट के जो आती है, तो उसका 10% जो है वो आपकी गाड़ी का खर्चा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैक्स वगैरह काट के $4,000 कमाते हो महीने के, तो आपकी गाड़ी का खर्चा $400 होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है होना चाहिए, मैक्सिमम $400 होना चाहिए। तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।